खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बनाने के लिए राशन कार्ड को घर के हर आधार से लिंकेज करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर राशन विभाग ने अपने ताजा आदेशों में लोगों को 31 जुलाई तक की डेडलाइंस दी हैं। इस तारीख के बाद जिन राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड अटैच नहीं हुए उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बनाने के लिए राशन कार्ड को घर के हर आधार से लिंकेज करना अब अनिवार्य कर लिया गया है। इसको लेकर राशन विभाग ने अपना ताजा आदेशों में लोगों को 31 जुलाई तक की डेडलाइंस दी है। इस तारीख के बाद जिन राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों को आधार कार्ड से अटैच नहीं किया गया तो उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। जिले में आधार कार्डों को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए जिले के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक पूरे जिले में 14 लाख उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ही आधार से लिंक हो पाए हैं। ऐसे में आधार से लिंकेज नहीं होने वाले शेष 6 लाख उपभोक्ताओं को जुलाई के आखिरी तारीख तक अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवाना होगा, नहीं तो उन्हें 1 अगस्त के बाद यानी कि अगस्त माह से खाद्यान्न से वंचित होना पड़ेगा। बाड़मेर के राशन एवं आपूर्ति विभाग ने इसका निर्देश भी जारी कर दिया है। इसके तहत 31 जुलाई तक घर के हर आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है। बाड़मेर जिला राशन अधिकारी अश्विन गुर्जर ने बताया कि उपभोक्ताओं को 31 जुलाई तक की आखिरी मोहलत दी गई है। हमारे बाड़मेर जिले में कुल 19 लाख समथिंग कुछ परिवार है, जिसमें से 14 लाख के लगभग जो है वो आधार सेडेड है, 19 लाख के लगभग लोग हैं मेंबर्स है, जिसमें से 14 लाख के लगभग जो है वो मेंबर्स आधार सेडेड है और बाकी जो 6 लाख है उसमें से वो आधार सेडिट नहीं है। तो उनको आधार सेडिट करने के लिए जो है वो विभाग द्वारा डेट दी गई है कि भाई 31 जुलाई तक सभी लोग जो आधार सेडिंग है अपना करवा लें और 1 अगस्त से जो राशन दिया जाएगा वो उसी आधार पर दिया जाएगा जिनका आधार सेडिंग होगा। तो इससे और ज़्यादा जो ट्रांसपेरेंसी है वो वाली जो चीज़ है वो बढ़ेगी डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसके लिए जो आधार सीडिंग है इसके लिए ई मित्रों के माध्यम से या फिर जो SSOID जो पंचायत लेवल पे जो है वो जो वीडियोस है ग्राम विकास अधिकारी है इनके माध्यम से जो है वो आधार सीडिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। आगे हमने आदेश जारी कर दिए हैं और बहुत ही जल्द इस काम में जो है वो तीव्र प्रगति जो है वो की जाएगी। राशन विभाग द्वारा जिले के सभी कार्डधारी के मुखिया एवं कार्डधारी परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड ई मित्र पंचायत भवन और संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के माध्यम से जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा अगस्त माह में खाद्यान्न मिलने से बंद हो जाएगा। लिंक नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के भी रद्द होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।